लोग होना चाहिए। पहली बात मैं अभी पीछे से आ रही हूँ, पीछे से आ रही हूँ। जितना हक आगे वाले स्टूडेंट्स का सवाल करने का है उतना ही पीछे वाले स्टूडेंट्स का भी है। उसके लिए अभी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कोऑपरेशन हमारे साथ हो। हम लोग बीच में से वी विल क्रिएट अ स्पेस फॉर मूवमेंट सो दैट पीछे भी एक्सेसिबल हो। साइड वाले लोग भी बैठ जाए। फर्स्ट रो आई रिक्वेस्ट द फर्स्ट रो टू सिट डाउन। पहले बैठ जाइए। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सिट डाउन लड़कियों। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप डायलॉग की नियत से आए हैं, डायलॉग में वक्त लगता है। चार बातें करके स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग नहीं हो सकता। ये 8 महीने की रिजेंटमेंट है, आप इसको 1 महीने में खत्म नहीं, एक घंटे में खत्म नहीं कर सकते। काइंडली हैव पेशेंस। आई रिक्वेस्ट द मीडिया ऑल्सो कि ये जो डायलॉग अरेंज किया गया है इट इज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द वाइस चांसलर। काइंडली गिव स्पेस टू द स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड एंड रेज देयर क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको FIR में कितना वक्त लगेगा। आप जितना भी वक्त ले रही है तब तक के लिए आप ये अनाउंस कर दें कि यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम नहीं, हमें FIR की कॉपी नहीं दी, एग्जाम देंगे। और ये आप ऑफिशियली आप भी बोले। बड़ा सा ग्रुप मुझसे मिलने आया था और उन्होंने कहा था फौरन यूनिवर्सिटी खोलिए, फौरन एग्जाम कराइए। मैंने रुक के आया था कीजिए, हमने बोला था एग्जाम कराइए, लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि इतना स्कैटर्ड शेड्यूल करिए और बच्चों को आप ग्रुप्स में बुलाइए। हमने बच्चों को ग्रुप्स में बुलाने के लिए नहीं, अगर आप नॉर्मलसी क्रिएट करना चाहते हैं कैंपस में तो आप एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल बनाइए एग्जाम का। हम सब लिखेंगे एग्जाम, लेकिन FIR होगा उसके बाद। आप FIR कीजिए एग्जाम। एक सेकेंड FIR कीजिए, साथ साथ आप एग्जाम का शेड्यूल बनाइए। जैसे ही FIR रजिस्टर होगा हम कल एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है। तीसरी बात, लाइब्रेरी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी
अब इस बात को मैम ऐसे करें। आप लोग सुनेंगे मेरी बात, आपकी मैंने काफी सुन ली है, मुझे मेरी भी तो सुन लीजिए। आप नहीं सुन रहे ना, देखिए आप लोगों ने कहा था कि यूनिवर्सिटी खोलिए, हमने यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म होते ही फौरन खोल दी, हमने कोई एक्सटेंड नहीं किया जैसे कि और यूनिवर्सिटीज करती हैं। मगर आपने कहा था जल्दी इम्तहान कराइए, हमने ऐसी इम्तहान कराया कि आपको थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिल जाए। आप लोग अच्छा सुनिए, देखिए अगर देखिए दो पैरेलल चीजें हैं, अगर आपकी FIR है उसका कनेक्शन इम्तहान से नहीं है, इम्तहान का हो गया। देखिए आप सुनेंगे, आप लोग सुनेंगे, नहीं सुनी मैं कह रही हूँ आप लोग सुनिए, इसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे, मगर हम आप लोग उसको एज अर्ली एज पॉसिबल करा रहे हैं। जो चीजें हमारे हाथ में हम वो करेंगे, जो चीज कोर्ट के हाथ में, कोर्ट जा रहे हैं ना, अब हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट हमारे हाथ में नहीं है। नेगोशिएशन नहीं चल रहा है, हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड पे स्टैंड क्या है वो क्लियर कीजिए, पहली बात ये। तो आइंदा से जो भी होगा यहाँ से जो हमारा डिमांड है एज अ डिमांड जाएगा, वहां से यस और नो आएगा, ठीक है। मैम सुनो, अरे रुक जाए यार, यहाँ पे लड़ाई हो रही है क्या, इसको देना है या उसको देना है, बात ना करेंगे हम लोग। मैम हमारी 3-4 डिमांड से आपको हाँ या ना बोलना है, वरना ये पब्लिक यहाँ से नहीं उठेगी। दूसरी चीज सुनो, पहली चीज FIR जो है हमें सर आप बीच में मत बोलिए। मैम आपने सेफ्टी के इस पे कहा कि प्रॉक्टर से बात कीजिए, ये प्रॉक्टर वही है जो हमें दल्ला कहते हैं और ये कहते हैं कि पैसों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम जब इनके पास ऑफिस में गए तो ये कहते हैं क्या, तुम अगर पत्थर नहीं मारोगे तो वो डंडे नहीं चलाएंगे, ये बोलते हैं हमें, डरते नहीं है किसी से हम लोग। मेरा ये सवाल है, हमने एग्जाम नहीं दिया है क्योंकि हमें आपसे बात करनी थी, हमारे एग्जाम सबके एक साथ 15 दिन में खत्म कर लीजिए आप, ये हमारी एक डिमांड FIR। दूसरी डिमांड सेफ्टी इंश्योरिटी आप हमें देगी, ये प्रॉक्टर नहीं देगा हमें। सर एक क्वेश्चन प्रॉक्टर सर, अरे भाई सुनिए ना, जब गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का इलीगली एंटर किया था तो आप कहते हैं कि कोई शेर थोड़ी तक खा जाएगा, घर में भी चोर घुस जाता है तो गर्ल्स हॉस्टल में भी चोर घुस सकता है। आपने ये बोला और आपने बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, इतने सारे बच्चे तुम लोग अफवाह क्यों फैला रहे हो, तुम लोग पुलिस के पास जाओ। जब हमने कहा कि पुलिस तो एग्जाम बॉयकॉट करा तो इन्होंने कहा कि एक और बार पिटवाओ इनको, इन्होंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आके मैडम वाइस चांसलर, मैडम वाइस चांसलर, एक सवाल यह है, देखिए यहाँ पे अभी तक कोई किसी सवाल का जवाब नहीं मिला है,
एक सवाल के साथ साथ सजेशन भी दूंगा। आपने कहा कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, आप गवर्नमेंट के नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के एम्प्लॉई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट ग्रांट करता है। नहीं, एक सेकंड, आप 1988 के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को पढ़िए जिसके तहत ये जामिया मिलिया इस्लामी स्टेट का दर्जा दिया गया है, और इस स्टेट में कोई भी पुलिस आकर हमला करता है वो इस स्टेट का दुश्मन है, और उस स्टेट में इस स्टेट का हेड होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस दुश्मनों से आप लड़िए। आप प्रेसिडेंट के पास डेलीगेशन लेके जाइए, आप FIR कीजिए, लेकिन इस FIR से नहीं बच सकते। और एक चीज, और आज अगर आज होगी तो फिर दोबारा हमला होगा जामिया पे, दोबारा सर फोड़े जाएंगे, तो इस चीज को भी हम छोड़ दीजिए। और कोई सवाल नहीं इसके बाद? देखिए, आप बात सुनेंगे? ऐसा करो, सबसे नहीं, कागज में लिख के सवाल समझे। ये कौन बोली?